चलो चलो जल्दी चलो, जहाज छूटने वाला है। ए भाई मेरा सामान लेके आओ जल्दी जल्दी जल्दी। ए गुली कहाँ जा रहा है तू? जहाज रवाना होने को ही है, साहब ने मुझे यहीं रुकने के लिए कहा था। कहाँ रह गए मार्क साहब? अब तक आए क्यों नहीं? साहब जल्दी करिए, जहाज जाने वाला है। Come on, Madhu, come fast. Mr. Mark, मेरा हिस्सा। Come on. Hmm.
को लग गई। अपने बच्चे के साथ कैच कैच खेल रहा था तो उसने फुटबॉल से वो गोल कर दिया, तो वो बॉल यहाँ आपको। श्रवण, मेरे बेटे श्रवण। कौन? तू मेरा बेटा श्रवण ही है। हाँ। नहीं नहीं, आपको गलती हो रही है, मैं श्रवण नहीं, करण। बिल्कुल तुझ जैसा दिखता था मेरा बेटा श्रवण। अब वो इस दुनिया में नहीं है। वो उस दिन फ्लाइट से अमेरिका जा रहा था, बदकिस्मती से वो प्लेन समुद्र में क्रैश हो गया। 7 दिन की तलाश के बाद भी ट्रेस नहीं कर पाए उसे। अपने बेटे की डेड बॉडी भी नहीं देख पाई मैं। प्लीज रोइए मत। मैं एक डॉक्टर हूँ, इसलिए जीवन और मृत्यु एक नेचुरल प्रोसेस है, ये सोच के अपने दिल को सांत्वना दे देती हूँ। लेकिन मेरे पति घर में खुद को कैद करके दिन रात अपने बेटे की फोटो के आगे रोते रहते हैं, मुझसे देखा नहीं जाता। कितनी दौलत है मेरे पास, लेकिन सब बेकार है। यहाँ बेटा बैठो। सुनो करण, मेरे लिए एक छोटा सा फेवर करोगी तुम? प्लीज बोलिए ना। अगर मेरे पति एक बार तुम्हें देख लेंगे ना, तो उन्हें बहुत खुशी मिलेगी बेटा। मेरा घर पास में ही है, 2 मिनट के लिए आ सकते हो क्या तुम? जरूर, मेरी कार में चलते हैं ना। थैंक्स अ लॉट बेटा। वेलकम। क्या उम्र है इसकी, तब से चुप बैठा है? बस अभी 5 साल पूरे होने ही वाले हैं। अबक का खा बोलने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी बात समझ में नहीं आती। चिंता मत करो, मेरा श्रवण 6 साल का था जब बोलना शुरू किया। ये जरूर बोलेगा, और इतना बोलेगा कि तुम्हारी बोलती बंद कर देगा। करण, तुम जल्दी से जाके अकेले ही डोरबेल बजाओ। वो दरवाजा खोलेंगे और जब तुम्हें देखेंगे तो मुझसे भी ज्यादा खुश होंगे। इसी बहाने वो एक पल के लिए मुस्कुराएंगे तो सही ना बेटा? आप भी आइए, मैं तुम्हारे पीछे ही रहूंगी। ठीक है, चलो बेटा। है मम्मी, गधे थे गधे और गधे ही रहोगे। है आंटी, आज नया बकरा। क्या चिल्लर पार्टी, तुम्हारा बाप नहीं आया? ए डमरू, मूर्ति दे दे। ए इधर आ। चल चल जल्दी आ, चला, टाइम खोटी मत कर, बॉक्स ला। ला, लॉलीपॉप। इनको डायबिटीज है, लॉलीपॉप कैसे खाएंगे? तुझे बहुत पैसे मिल चुके हैं, इसे छू सर, घर जा। ए, 12 की उम्र में टॉफी छीनने पे भाई को मार दिया, 15 की उम्र में टीचर ने ज्यादा होमवर्क दिया उसको टपका दिया, 30 की उम्र में अपनी छावी को भगाने वाले को दुनिया से भगा दिया, 40 की उम्र में अपने बॉस की जगह लेने वाले को उड़ा दिया। तुम चारों को मारने के लिए 4 सेकंड लगेंगे मुझे। ए, तू मुझे मारेगा? पीछे मुड़ के देख। बच्चे लड़ने के लिए अपने साथ फौज लेके आए। अबे घोचू उधर देख, तुम लोग के लिए 1 मैन आर्मी काफी है। आया नहीं, चश्मा लगा के भी देख नहीं पा रहे क्या? भाई हम तीनों के पास एक ही गन थी, वो भी उसे दे दी। कहीं दारू पीने ना बैठ गया हो। मैं निकलता हूँ, पेट भी गुड़गुड़ हो रही है। मेरे भी हो रही है।
जो भी डीलिंग करनी है बॉस से कर लो। लॉलीपॉप बहुत टेस्टी है भाई। ओए अरे आ गया तुम लोग का बाप आ गया रे। आजा आजा मेरे शेर आजा। सो स्वीट खा रहे। अंदाजा भी है तू कहाँ और किससे बात कर रहा है। सबको गोली से उड़ा दे। अरे ये तो फुल टल्ली है। ए, सिर्फ दो बुलेट का बजट था। लास्ट वाला जरा शट अप यू छोटा भीम। इतना आ? सब बच गया। अगर मैं नीचे आ गया ना तो तुम सब ऊपर पहुंच जाओगे। मार डाला हर जगह से तोड़ दिया रे। ए भाई उठ जा भाई। इन लोगों ने हम लोग को लिटा डाला। तू तो उठ जा। क्या बिड़ू पिंक ड्रेस में वैलेंटाइन मनाने आया था क्या? अरे डील के लिए सूट वूट पहनना था। अरे ये डील भी इस ढोल गवार से ही करवा लेता। ए, गवार बोल दे ढोल मत बोलना। 5 किलो बाल के नीचे 50 ग्राम भेजा तो होगा ना इसके पास। भेजा और इसमें क्या हुआ? अरे अरे पार्टनर ये कमाल कैसे हुआ कैसे हुआ? इसको बोलते अफलातून भेजा। टाइगर की एक आदत है पहले घात उसके बाद अटैक। मुझ पे ऐसा घात किया कि चार चार फटके खाने पड़े मेरे को। चार मूर्तियों के लिए चार फटके खाने से तो दुबला नहीं हो गया। अरे तेरी तो कमर पिछड़ा जाम हो गया। कोई बात नहीं क्या रे? नहीं शिलाजीत खा हो जाएगा। चुप रे। चार पटाने के लिए चार फटके खाने पड़ते हैं। इट्स अ गुड डील। मैंने अपने बिजनेस टारगेट को अचीव करने के लिए हर कंपेटिटर को रास्ते से हटा दिया। इंडिया में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हासिल करने के लिए ना सिर्फ पैसे फेंके बल्कि कईयों के सिर भी उड़ा दिए। बेफिक्र रहिए, अपनी कामयाबी की रफ्तार अपनी कार की रफ्तार से कम नहीं होने दूंगा। आपके पापा कैसे हैं? अब तक कोई इंप्रूवमेंट नहीं। थिंक पॉजिटिव, सब ठीक हो जाएगा। जब से छोटा था उन्होंने मेरी बुरी आदतों से तंग आकर मुझसे बात करना छोड़ दिया। 30 साल से मेरी तरफ देखा तक नहीं। सच कहूं लगता है एक दिन अचानक ही चले जाएंगे बिना मुझसे बात किए। सर आपके डैडी आपको बुला रहे हैं। मधु बेटा तुम्हें एक राज बताना चाहता हूं। बोलिए पिताजी। मेरे पिताजी यानी तुम्हारे दादा ब्रिटिश के जमाने में सोनार का काम करते थे। उन्होंने एक अंग्रेज से उसके कुछ हीरे चुरा लिए थे। बाकी नगीनों को गुलाब बाग वाली मंदिर के बाहरी दीवार के पास एक गड्ढा खोद कर छुपा दिया। कई बार मुझसे कहा कि उन्हें निकाल लाऊं, लेकिन मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया। मैं यही सब बातें तुमसे कहना चाहता था।
लगा दी। बात बनने वाली थी लेकिन ये लोग मुझे बाहर ही खींच लाए। चल इडियट, एक बार और क्यों नहीं ट्राई करता? Hey, sexy. अभी मूड नहीं है। मुझे देख के भी नहीं। फूल। मुझसे कहा? Of course. Wow, nice car. अरे हाँ, पापा ने गिफ्ट की। Happy birthday to me. That is so sweet. Excuse me. Hey, come on, what the heck? My car. Hey, hey, this is not your car. वो वहाँ, उधर। Sorry. Sorry. मेरी car. So handsome. Nice shirt. Branded coat. Nice belt also. लगता है लॉक खराब हो गया है। चाबी घुसी नहीं थी। क्यों भाई, डिक्की दिखती नहीं है कि चाबी लगा देते हो? लगा कर। मुझे सुभाष नगर के लिए टैक्सी बुलवा दोगी? टैक्सी में जाने की क्या जरूरत है, 10 रुपए में शेयरिंग ऑटो जाता है। अगर इतनी फिक्र है तो अपनी कार में ड्रॉप कर दो। कार, कार, ओनर आने से पहले इसका नंबर लेना। एक्सक्यूज मी, शायद ये मेरी कार है। तो फिर गाड़ी का नंबर बताओ। जब कार खरीदी थी तो कुछ अच्छा सा नंबर बताया था, तो अपनी बताओ तुम्हारे कार नंबर। तुम दोनों लगभग दो क्या? PY01CG66 मेरी कार का नंबर है। So sorry. It's okay. Enjoy. I will. Sorry. आ जा। Gorgeous. तेरी कोई मदर सिस्टर है कि नहीं? निकल यहाँ से। My car. अपना फोन नंबर मुझे दो प्लीज। मेरा पर्सनल नंबर 3246272829। इसमें आधार और फोन नंबर दोनों है। Who are you? ए बजरी, चलना जल्दी। तू कौन है बे? मैं वही हूँ जो बिना भाड़े के तेरे लिए ये इम्पोर्टेड कोड लेके आया। कुछ याद आया? चला, धक्का लगा। अड़ा क्या है? अरे छोड़ लड़की को। सिर से पांव तक लोग वो है। मैं इंटरनेशनल। ओ मैडम, हाई हील निकालो, आके धक्का लगाओ। यप, डिस्गस्टिंग, गेट लॉस्ट। अरे डैशिंग हूँ, बाहर में जाओ। डिस्गस्टिंग बोल रही। अरे छोड़ वो लड़की को, इधर आके धक्का लगा। ये भीम ने पोस्टर लगा के पैसे लिए थे, वो भी हजम कर लिए। पेट्रोल भी लगा है। पनवती सर, धक्का लगवाएगा। सॉरी, क्या हुआ, काम बना नहीं क्या? तेरे जैसे दोस्त होंगे तो यही होगा। चल, ये पेट्रोल के पैसे हजम कर लेता और तू उनके पीछे पड़ा रहता है। एक से एक एंटीक मूर्तियां देखी, पर तुम जैसी सोने की मूर्त फर्स्ट टाइम देखी। ओ भाई, फिर से सपने सुन ले, वो तेरे हाथ नहीं लगने वाली है। उस पुतले में क्या खास बात है दिखा रे? पापा ने स्टैचू के बारे में बताया, कह रहे थे पूरे वर्ल्ड में इसकी बहुत डिमांड है। इस भंगार की भी डिमांड है क्या? किसी भी माल की असली कीमत खरीदने वाले से ज्यादा चोरी करने वाला जानता है वाह। वैसे चुरानी कहाँ से है? गुलेबाग हवली से। मुझे गुलेबाग हवली भेज रहा है? इससे अच्छा है कि मुझे खोलते हुए तेल में फेंक दे, नरक से भी बदतर जगह है। अपुन नहीं रेस लेगा, अपुन नहीं लाएगा वहाँ से। मैं लाऊंगा उसे, बड़े प्यार से ऐसे उठाऊंगा। कमेंट मत कर, सुसाइड कमेंट करने जैसा है। करूंगा, उस सोने की अद्भुत मूरत को अपनी बाहों में भर कर यहाँ लाऊंगा। hey, इन्हें एडवांस देते। इनसे पैसा लेना मतलब खुद की सुपारी लेने जैसा है। फिर से सोच ले। पीछे नहीं हट सकते। अम्मू, आने में लेट होगा, मेरे लिए वेट मत करना, खाना खा के सो जाना। और हेलो अमू, यहाँ का सिग्नल वीक है। ए, ये दूसरे रोड से क्यों ले आए? मेन रोड पे ट्रैफिक मिलेगी, जल्दी घर पहुँचा दूंगा, ये शॉर्टकट है। अपना सेठ लोगों के साथ सेटिंग है। तुमको देखते ही पहचान गया था, बोलो तो बात करता हूँ। ए औकात मेरे, अभी के अभी गाड़ी रोक, वरना मैं तेरा वो हाल करूंगी। अरे मुझे तो लगा था ये उस टाइप की लड़की। जान लेकर आऊंगी। अरे पत्थर मत मार, भाग यहाँ से इडियट, हट, भाग। ये कहाँ लेकर आ गया मुझे? चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल है, कहाँ फंस गई मैं? ऐसे चक्कर लगा रहा है मानो बीवी को बच्चा होने वाला हो। उसे गए पूरा आधा घंटा हो गया रे। मंदिर के बाहर चप्पल चुराने नहीं गया है, कीमती मूर्ति उड़ाने गया है वो। अबे कितनी आग जलाएगा तू? काट रहे थे, धुएं से उड़ा रहा हूं। अरे की छठी औलाद, धुआं देख के इस लैंड का मालिक आ गया। चल निकल निकल यहाँ से, पे मरेंगे। चल चल, बद्री को छोड़ के जाएंगे। अरे गोली मार उसे, वो टाटा बाबा करके आ जाएगा। वो पास आ रहे। चल को
कमर की तो लग गई, पूरे रास्ते में परेशान कर दिया। ए, सर, जीजा ने यही मंदिर बताया था ना, दीवार के कोने से 25 फुट दूर गड्ढा खोदना पड़ेगा। ये तो भगवान ही हमें वेलकम करने चले आए। अब ये कौन है? पुजारी तो नहीं लगता। हेलो सर, एक्सक्यूज मी सर, स्वामी सर। हाँ, पकड़ा गया क्या? चल चल चल, मुखिया जी आ गए। भागो भागो, जल्दी करो, जल्दी गाड़ी में बैठ। सर, यू कार में चला। हेलो हेलो, अरे पहचाना नहीं क्या? अरे तुझे बचाने आया हूं, तेरे पंटर लोग तुझे कल्टी दे गए ना। अरे तेरी गैंग के टपोरी लोग टपक पड़े। ए गाड़ी रुक, खड़ी रुक। सबसे पहले उसने मूर्ति चुराई, फिर छोकरी के लिए मुखिया को गोली मारी, फिर उसे अकेला छोड़कर भाग गया। मैटर क्या है? उसका वीडियो उतार लिया है ना, पकड़ लेंगे। अरे अन्ना जी, बिना इंटीमेशन दिए ही चले गए। आओ करण, इतने दिन कहाँ थे? अन्ना जी वॉइस चैट कर रहे हैं। ओ हेलो इंस्पेक्टर। अन्ना जी, फोटो पे माला देखकर लगा आपकी टिकट कट गई। अन्ना जी, अरे वो मेरे बापू की फोटो है। आपके पापा बिल्कुल आप पे गए हैं। क्या रे करण, सुना है फिर से तुम्हें 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया? अब तो आदत हो गई है, साल में 2 बार सस्पेंड होता हूँ। अन्ना जी एक मदद चाहिए थी, एक औरत ने मेरा बल्ब फ्यूज कर दिया। बल्ब फ्यूज किया, साफ साफ समझा। ठीक है सुनो अन्ना जी। श्रवण, मेरा बेटा श्रवण, ये ऐसा बोलेगा कि तुम्हारी बोलती बंद कर देगा। गधे थे गधे हो, गधे ही रहोगे। माँ से ज्यादा इस कार से लव करते थे। उनकी हाफ गर्लफ्रेंड ने गिफ्ट दी थी, मुझे भी टच नहीं करने देते थे। उफ, गरम सीट ने मेरी सीट जला दी। पिताजी की आत्मा ऊपर नहीं गई, इसी कार में है। तो माँ क्या इसी डिक्की में है? अरे यार, यार भड़क जाएंगे, चुप रह। हे, वो तो देखो कोई गिरा पड़ा है। गाड़ी रोको 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 रोको। हे जल्दी करो, देखो क्या हो गया। कौन है ये, क्या हो रहा है? योगा करने के लिए इससे अच्छी जगह नहीं मिली? योगा नहीं, इसे मिर्गी का दौरा पड़ा है। इसे चाबी देंगे तो ठीक हो जाएगी। ये डॉल है जो इसे चाबी भरूं? अरे आप भी ना कुछ भी। जा रहे, चाबी बनाने वाले को बुला। क्या बोल रहे बॉस, मैं एम्बुलेंस को बुलाता हूँ। एक डॉक्टर भी भेजे। ये लीजिए माँ जी, पकड़ लीजिए। यहाँ सिग्नल नहीं मिल रहा। अबे तो जाके खरीद लेना। क्यों ना इसे अपनी कार में ले जाए। अरे मेरा बाप भी इसी कार में मरा था, कहीं इसने भी दम तोड़ दिया तो। 25 साल के इंतजार के बाद तो हाथ लगी है। तू जा सिग्नल ढूंढ। ओह, अब और नहीं रोक पाऊंगा। देख तू संभाल ले, मैं हल्का हो गया था। बाय। चिंता मत करो बॉस, फूल की खुशबू का पीछा करेंगे और उसे हम पकड़ लेंगे। इंटेलिजेंट आइडिया। बात हो गई, एम्बुलेंस आ रही है। वो बेचारी औरत कहाँ गई सर? सर थोड़ा स्माइल कीजिए। अब खुश हो डालें। थैंक यू सर। अल्ले लो, मुझे तो सिर्फ बल्ब दिखाया, आपको हेडलाइट दिखा के गई, अब क्या करें? पिताजी के श्राद्ध में 2 दिन बाकी हैं, और तब तक खून खराबा नॉट अलाउड। फिर हो जाने दो, एम्बुलेंस बुलाऊंगा उसके लिए। तुम लोग इसे कॉमेडी कहते हो और हंस भी रहे हो। मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ ना, आप भी थी।
उस वक्त मैं 10th में नहीं 8th में था। बड़ा होके बड़ा पुलिस ऑफिसर बनूंगा, कब्रिस्तान का वॉचमैन बनूंगा, तुझे जेल में डाल के हिराऊंगा, वरना मेरा नाम करण कुमार नहीं। वैसे वो बना क्या? पुलिस इंस्पेक्टर है। तुम दोनों से बदला लिए बिना यमराज भी मेरे को मारेंगे नहीं। तुम दोनों को सलाखों के पीछे फेंकना दूं तो मेरा नाम करण कुमार नहीं। ए, ये कौन सा मैकेनिक से गाड़ी ठीक करवाई तूने? भाई उधारी का काम ऐसे ही होता है। तूने पेट्रोल भरवाया था कि नहीं? हाँ, 1000 रुपए का भराया था। तो टैंक क्यों खाली है? इधर डाला, टैंक फुल हो गई। अबे मच्छर था क्या? कहाँ इस दारू के ड्रम के साथ फंस गया मैं। अरे कहाँ रह गए तुम लोग? अरे सांड ने गाड़ी में पेट्रोल नहीं भरवाया। अरे ये मेरी बाप की जगह नहीं है बाप, जल्दी आ जा, वेट मत करो पार्टी को। तू टेंशन मत ले, मैं किसी तरह पहुंच जाऊंगा। एक बकरा आ रहा है, ये काम अकेला नहीं कर सकता हूँ, चल साथ। मैं यार अबे चला। नहीं बेवड़ा। आजा से क्वार्टर लेके आना, चकना भी लाना। सर 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 स्टॉप 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 स्टॉप। शकल से तो आप जेंटलमैन लगते हैं, फिर चड्डी में क्यों घूम रहे हैं? बिग बॉस की है कि रूपा के दिखाऊं क्या? तुम कौन हो? Myself, चोर। चुराने के लिए सिर्फ चड्डी बची है, वो भी 3 दिन से पहनी है। वैसे ये मुझे फिट नहीं होगी, तो आप मुझे लिफ्ट दे दीजिए। ए, ये कोई भोला कुबेर की टैक्सी नहीं है, दिमाग खराब मत कर। लिफ्ट देंगे तो आपका अच्छा टाइम शुरू हो जाएगा। अच्छे टाइम की बात की ना, तेरा टाइम खराब कर दूंगा। पुलिस पीछे पड़ी है सर। पुलिस है? जी हाँ सर, एक गुप्त जगह सोना छुपा के रखा हुआ है, अगर मुझे वहाँ तक लिफ्ट दोगे तो खजाने में आपको 50% शेयर दूंगा। सोच लो ऐसा मौका बार बार नहीं आता, जितने चाहे अंडरवेयर खरीद लेना। अपनी वर्दी दिखा के सारा सोना किडनैप कर लूंगा। आजा आजा अंदर आजा। हाँ ये हुई ना बात, अब चले। हाँ बोल। ए बद्री, 1 घंटे में नहीं आया ना तो आधा कमीशन काट लूंगा। हर 10 मिनट में फोन करने से मेरे पंख नहीं लग जाएंगे। अरे जल्दी पहुंच, पार्टी मुझे पागल कर रही है। सॉरी सर, गलत रूट पे आ गया, सॉरी फॉर द ब्रेक, सॉरी। आप उनको इधर काय को लाया? तुम्हें भी कोई मूर्ति चाहिए क्या? मेरा बॉस है, उसके साथ डील कर सकते हो। अपन उसी के लिए चोरी करता है। सर ये क्या किया? सुन बे ओए, बड़ी सफाई से गुलेबाग हवली से मूर्ति गायब की, वो भी मेरी कार में। ओ, तो उसका भाड़ा वसूलने को अपन को यहाँ लाया? वैसे कार की माइलेज बहुत लो है, और मैकेनिक ने तेरे को बहुत चूना लगाया रे। बॉस के कहने पे मूर्तियां चुराता है, कितना पैसा देता है तेरे को? वो कुछ 1 लाख। 1 लाख? मेरा एक काम करेगा, 50 लाख दूंगा। क्या 50 लाख? इतना बड़ा अमाउंट मतलब बड़ा रिस्क, एडवांस लेके चंपत हो जाता हूँ। ये सिर्फ एडवांस है। तो मूर्तियां कहां से लानी है? गुलेबाग गवली से मूर्ति लानी है। वो ऑलरेडी ला चुका हूं मैं, उसकी बात नहीं कर रहा। इतनी बड़ी है, उसे तो बाहुबली भी नहीं उठा सकता, मेरी तो फट जाएगी। अरे सुन तो हटेले, मूर्ति नहीं बॉक्स को लाना है। तेरे साथ में ये लड़की और मेरा आदमी जाएगा, तीनों मिलके बॉक्स चुराओगे और यहाँ लेकर आओगे। बॉक्स लाते ही ये मूर्तियां और बाकी पेमेंट लेकर जाना। अब क्या नई आफत आ गई है? ये नाइट ड्रेस कौन वेयर किया है? ओ, तुम्हें उठा लाए, क्या बात है? आपने कहा बाहर में कोई मीटिंग होने वाली है। ए, शांत शांत, चल अंदर चलकर बात करते, इसे ठीक करना है तो बोलो। चलना नहीं पड़ गया था, चल
क्या यहाँ नई भर्ती चल रही है क्या? क्या ऐसे लोगों को उठा ले आए? हाय, भूल गई क्या? तेरे को गांव वालों से बचाया था, तू तो ऐसे गायब हो गई जैसे सेंट से भूड़ जाती। क्यों, सिर्फ माल वालों से दोस्ती करती है? उस लड़की को गांव वाले ढूंढ रहे होंगे। अगर लड़की खुद को उनके हवाले कर दे तो वो अपनी अधूरी पूजा पूरी कर पाएंगे। ठीक उसी वक्त तुम और बद्री उस बॉक्स को निकाल के यहां लाओगे। व्हाट्स योर नेम? कोई नाम वाम है या नहीं? नहीं बताना। मैं तेरे को एक नाम दूं? तू इतनी हॉट है, मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, मिसेस बद्री। एक बात टेल, लेट नाइट बाहर ठुमके लगाती हो, घर में कोई पूछने वाला नहीं है? इन हाउस ब्रदर बाप इज नॉट। 1 hour से होट पे फेविकॉल चिपका के रखा है। उस रात को जंगल में सॉलिड एक्शन सीन हुआ ना? आइज एंड बेल्ट, अगर बिना लफड़े के वर्क पूरा किया तो अपना डॉन दिल ओपन करके इनाम देगा। पता है, गोल्डन हार्ट है, टाइगर का लिवर है और एंग्री आया तो। अरे, तुम ठीक हो? चोट पर ही लगी? ओ नो, पुलिस वैन को हिट किया। क्या? पुलिस कहाँ है? नीचे उतरो, जल्दी जल्दी। अबे खंबा है। सर सॉरी सर, माफ कर दो, ब्रेक फेलिंग हो गया सर। अरे अरे, ए, क्या दारू पी रखी है क्या? तेरी इतनी हिम्मत पुलिस की गाड़ी को ठोके? सर 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 सर, पीने रखी है सर, 3 दिन से ड्यूटी दे रहा हूँ, पैसेंजर को ले जा रहा था सर। कौन है ये दोनों? सर सर, हनीमून पे जा रहे हैं दोनों, बहुत अच्छे लोग हैं। माई खड़ूस बॉस का फोन है, 4 गालियां देंगे मुझे अभी। हेलो, कितने पुलिस वाले हैं? धीमी आवाज में बोलो। वहाँ कितने खाकी वर्दे वाले हैं? वन पुलिस वाला इस। उनसे बच के निकल सकता है ना? नहीं सर, उन्हीं की गाड़ी से तो टकराए हैं, सब पूछताछ करेंगे। किसी भी तरह उनको पटा और चुपचाप वहाँ से खिसक ले। ओके सर, मेरे बॉस से बात कीजिए, ये लीजिए सर, बात कीजिए। सर मार 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 क्यों सर? Why hit me? Why? Oh sir, sir don't hit. Sir what I do sir? क्या? Sir. अरे ये क्या है? आओ आओ इधर आओ. Take bag. कब? आई एक्शन देख के शक हो रहा है कि मैं मेंटल हूँ, करेक्ट ना? शक नहीं है, कंफर्म है। इस नौटंकी का क्या मतलब? कार से जाना रिस्क है, पास में एक बाईपास है, फ्रॉम देयर से कार लेंगे, उसमें बैठ के बातें करेंगे। हाँ विजी, अपना हाथ दो। अकड़ू कहीं की। समझ गई? ये लो, भूख लगी है ना, खा ले बेटा। ये तो पागल हो गया। अरे बच्चों, क्या बोल रहे हो तुम लोग? तुम लोगों को मुझसे पैसे चाहिए क्या? ए, हम तेरे को भिखारी नजर आते हैं। One second. आंटी, क्या? कार चाहिए क्या तुम्हें? अरे तो ये सब पहले कहना चाहिए था। हेलो, इनके हस्बैंड हॉस्पिटल, इन्हें जाने दो। सही कह रही है बेचारी, इसे हॉस्पिटल ड्रॉप कर देते हैं। यही सही, अपना तो मतलब रिश्ते से है। जरा बैग ले लो, बैठो। अच्छा ले आजा, तुम में से कोई ओ पॉजिटिव ग्रुप वाला है क्या? किसी ओ पॉजिटिव वाले को किडनैप कर लेंगे। चलो सही, चलो मूव। आज मेरी जान ही ले लेती, तुम क्यों शॉकिंग? मैंने उन्हें अपने कार में माइक्रोफोन फिट करते हुए देख लिया, और इस बात की भी वाट गारंटी है कि बॉक्स मिलने के बाद मुझे जिंदा छोड़ देंगे। अब मेरा प्लान लिसनिंग, अगर तुम दोनों कोऑपरेट करोगे तो माल को 3 हिस्सों में बांट लेंगे, फुल लाइफ सेट हो जाएगी, क्या बोलते हो? मुझे कैसा लगा प्लान? बात मान जाए ना तो अच्छी लाइफ एंजॉय करेंगे, लाइफ सेट हो जाएगी। ओके हेलो, एक्सक्यूज मी, तुम्हारी कार की डिक्की खुली है। थैंक्स भाई। अरे अरे देखो, वो रहा मेरा शिकार। नहीं ये बद्री काहे मेरी मूर्तियां बता। अरे पीछा करना, ये जल्दी करना, ये क्या कर रहा है? गोली चलाना। अरे क्या चलाओ, गन चल ही नहीं रही है। अरे मैं गलती से फिल्म की शूटिंग वाली गन लेके आया। अरे अरे भाई बंदूक। Slam my gun down there. दबा दबा, अभी दबाता हूँ, देख।
ए बाहर निकलो, तुम लोग सब। ठीक है, चल मारा। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, खाना खाया? क्या कर रहा है? आशीर्वाद चाहिए क्या? क्या ढूंढ रहा है अंदर? बाहर, अरे बाहर निकल। मेरा गन लॉस्ट, मैं वही फाइंड कर रहा हूँ। आराम से ढूंढ। क्या आराम से? वही गन से हम लोग को शूट कर देगा वो। ए बाहर निकल। पैराडर में क्या प्रॉब्लम है? अरे चल, क्या जल्दी है, क्या देते मुझे? घुटने में बेटा, इन दोनों को घुटने में बेटा। बद्री भैया, आप मेरे लिए साक्षात भगवान बन के आए, विलेन के रूप में आप फरिश्ते बन के आए हो मेरे लिए। अरे इन दोनों गुंडों ने मुझे और मेरी बेटी को किडनैप कर लिया। मेरा भाई हॉस्पिटल में एडमिट है। बेटी? मैंने भिखारी समझ के इन्हें खाना दिया। गन दिखा के कार के साथ साथ मेरा खाना भी छीनना चाहते थे। अच्छा हुआ आप लोग आ गए। सुनना, पहले कहा पति को खून देना है, अब ये भाई कहाँ से टपक पड़ा? बहुत पीपल साथ में एडमिट है। अबे ढक्कन, विजी को भी अपनी बेटी बना लिया इसने। शर्म नहीं आती? जोर औरतों में दिखाता है तू। तुम दोनों जाओ, 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 जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। बैठी रहे, जाओ हॉस्पिटल जाओ। हम उम्मीद करेंगे कि वो जल्दी ठीक हो जाए। मुझे इतने हल्के में मत लेना। टॉफी छीनने पे 12 की उम्र में मैंने अपने भाई को मार दिया था। तू ये कहानी सुन के बोल देने पे 15 की उम्र में टीचर को टपका दिया था। 20 साल में एक पुलिस वाले का इनकाउंटर कर दिया था। 30 की उम्र में अपनी छावी को भगाने वाले को दुनिया से भगा दिया था। 40 की उम्र में अपनी बॉस की जगह लेने के लिए उसे उड़ा दिया था मैंने। ए, इस हिस्ट्री शीटर को अपनी हिस्ट्री नहीं मालूम है? 50 की उम्र में अपने दूध वाले को मैंने मार दिया। पका के मारने से अच्छा सीधा गोली मार दे। ए, जल्दी करो, आओ। अरे चलो 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 चलो। अबे मुंह से बोल। ए, मेरी तो सुन सकती है? कौन हो तुम? तुम वैन से आई हो? एक बुड्ढी को ओवरटेक नहीं कर सकता। अरे वो बुड्ढी तो धूम मचा रही है। उसके बाजू में ले गोली, अंदर मारूंगा। वो लेफ्ट राइट बंद करेगी तभी तो जा पाऊंगा। अरे उन्हें क्रॉसिंग पार करने दे, फिर ट्रेन से भी आगे जाने दे, जितना जी चाहे आगे जाने दे। और उसके बाद कार से उतर के टाटा बाय बाय भी करने दे। भगा कर दे। टेंशन मत ले, उनके क्रॉसिंग पहुंचने से पहले मैं उनको क्रॉस कर लूंगा। आ रहा हूं बुड्ढी। भगा भगा, अबे भगा। आई लव क्रॉसिंग। अबे ये क्या? ये हॉस्पिटल जैसा तो बिल्कुल नहीं दिखता। ये है आप उनका पैलेस। पैलेस? थैंक्स, आप चलते हैं। यहाँ से जाने की इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो ठीक से मुलाकात भी नहीं हुई। मुझे जानती हो? कभी नहीं मिले। एक बार गौर से देखो जरा। नहीं, मेमोरी को थोड़ा रिवाइंड करो। इतना पीछे नहीं, थोड़ा आगे मेरे पास आओ। आप वही है ना जिसने बचपन में मेरी टॉफी के डब्बे चुराए थे और इल्जाम मेरी नानी पर लगाया था? अरे चुप, कुछ भी बोले जा रही है। अरे अपने फ्लैशबैक में जाके देख। थैंक यू। ओ आंटी। ए, आंटी बोला तो मुंह नोच लूंगी तेरा। माशा सॉरी माशा, उस दिन अगर आपने मेरी हेल्प नहीं की होती तो वो कबीले के लोग मुझे मार ही डालते। थैंक यू। एक बात सुन ले, आज नहीं तो कल उनके हत्थे फिर से चढ़ने वाली है तू।
तुम तीनों जंगल जाने वाले हो ये मैं जानती हूँ। इस बेचारी को उनके हवाले कर दोगे और तुम दोनों बॉक्स लेके वहाँ से चंपत हो जाओगे, ये भी मुझे पता है। जब तक मेरी परमिशन नहीं मिल जाती सपने सपने ही रहेंगे। क्यों मैडम, आप उस पुजारी के रिश्तेदार लगती हो। रिश्तेदार नहीं, गुरु हूँ। पूजा कब करनी है ये मुहूर्त मैं ही निकालती हूँ। आमतौर पे मैं उन्हें अमावस्या के दिन का मुहूर्त बताती हूँ और जो मैं कहती हूँ वो आँख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं। भगवान के बाद सिर्फ मुझे ही मानते हैं वो लोग। जिस दिन का मुहूर्त निकालूं उस दिन बॉक्स उड़ा लेना और बॉक्स में जो भी माल निकलेगा वो हम चारों में बराबर बटेगा। चार हिस्से? क्यों, पूरा मैंने लिया तो? नहीं हो सकता, उन पैसों को हम सिर्फ धार्मिक कार्यों में। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, चार हिस्सों में बांट लेंगे, डील फाइनल। डबल क्रॉस करने की कोशिश भी मत करना। हाँ चोट से मोहर लग गई, पकड़े नहीं जाएंगे। चोट से मोहर लग गई, वो चिड़िया भी ज्योतिष है क्या? तो सबसे पहले विजी। हाँ विजी। बद्री। हाँ बद्री, सिर्फ हम तीनों लूट की लोकेशन पे जाएंगे। एक सेकंड, मुनीश को क्या करना है ये बताओ। और तुम हाँ उस कार को, हाँ कार को धो लेना। हाँ बेटर है तेरे लिए, हम दूसरी कार में जाएंगे। उस दिन के लिए क्षमा चाहते हैं। कल हम शादी करने मंदिर जा रहे थे कि तभी रास्ते में इन देवी माँ के दर्शन हो गए। देवी माँ ने बताया कि इसने भगवान को रुष्ट किया है तो उनके श्राप से बचने के लिए यहाँ आके पूजा करवानी होगी, इसीलिए मैं इसे यहाँ ले आया। इसे अपने साथ रखिए और अधूरी रस्म पूरी कीजिए। ठीक है, हम मुहूर्त निकालते हैं। आप तो अमावस्या को पूजा रखवाती हैं, आज आप ऐसा क्यों कर रही हैं? अमावस्या होने में तो अभी काफी दिन बाकी है, इस बीच अगर इस लड़की के वो वाले दिन आ गए तो पूजा अर्थहीन हो सकती है। माशा। पुजारी जी आप क्या कहते हैं? वैसे कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर कोई अनहोनी हुई तो माँ की क्रोध को शांत करने के लिए इससे भी बड़ी पूजा करनी होगी। ए, ये बता पहलवान, ये सरपंच के कंधे पे किसी कौवे ने चोंच मारी थी? अरे चोंच नहीं मारी, किसी सिरफिरे ने गोली मारी इन्हें, मैंने लपक के इन्हें बचा लिया। अच्छा तूने बचाया? हाँ, हाथ से गोली का डायरेक्शन चेंज कर दिया। फिर परंपरा का क्या होगा? वैसे गोली चलाने वाले की शक्ल बिल्कुल तुम्हारी जैसी थी, बस रंग थोड़ा काला, आँख से थोड़ा भैंगा था, दाढ़ी नहीं थी, बिल्कुल चिकना था। चिरकुट तेरी नजर बहुत तेज है। अरे आपको मेरा नाम कैसे पता चला? अरे तेरी शक्ल तो लिखा है। तुम तो ज्योतिषी हो, ये विद्या मुझे भी सिखाओगे क्या? Come on, man. कहे तो तुझे भी सिखा दूंगा। अरे वाह, तुम्हारा तो बहुत बड़ा दिल है, बिना कपड़ों वाली पूजा के लिए होने वाली पत्नी को हमें ऐसे ही सौंप दिया। क्या? बिना कपड़ों की पूजा? हाँ, वो भी इतनी कोरी चिट्टी पत्नी को। देवी माँ, What the hell is happening here? हे भगवान, ये कैसा पब्लिक डिस्प्ले होने वाला है। सब लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमारी देवी माँ ने अधूरी पूजा को पूर्ण करवाने के लिए उसी कन्या को वापस हमारे पास लेकर आई हैं। अब हमें अमावस्या का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, इनके बताए मुहूर्त पर करेंगे। ठीक है, कल सुबह इस कन्या को ले आऊंगी, अभी आज्ञा दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो अब पीछे मत देखो। मैं पूजा करूं या बलि चढ़ूं, तुम्हें क्या? मुझे क्या? अरे पत्नी की बॉडी सिर्फ पति के देखने के लिए होती है, ना कि पब्लिक डिस्प्ले के लिए। एक ही दिल है, क्यों ब्रेक कर रही हो? माशा ने कहा ना सब संभालने की, अगर कुछ हुआ भी तो मेरे होने वाले पति को इस राज का कैसे पता चलेगा? मुझे तो ऑलरेडी पता है। आई डोंट केयर। एक मिनट, अब बात को मैं और घुमा फिरा के नहीं कह सकता। अब पहली बार जब तुम्हें पब में देखा ना तो दिल में तुम्हारे नाम का पार्किंग बोर्ड लगा दिया। मैंने इस डील को हाँ इसलिए कहा ताकि मैं तुम्हारे टच में रह सकूं, वरना मैं तो कभी का पतली गली से खिसक लिया होता। अरे यार कोई बात समझती नहीं है, एडवांस जेब में डाल के इन सारे झमेलों से कहीं दूर भाग जाता। सुनो ना मेरी प्यारी सी बेबी डॉल, तुम एक लाल जोड़े में आओगी, उसके बाद मुझे देख के प्यार से शर्माओगी, फिर केसर वाला दूध हाथ में थमाओगी, बेड पर गुलाब के फूल बिछे होंगे। अच्छा, फिर हम दोनों एक हो जाएंगे। बिना शादी के मेरे साथ सुहागरात मना रहे हो? ऑब्वियस है, शादी के बाद ही सब कुछ करेंगे ना। मेरे ख्याल से शादी से पहले प्रपोज वो भी करना होता है, और आई लव यू वो भी तो कहना पड़ता है। आई लव यू, आई लव यू। चल भाग। सुनो,
फर्स्ट एक्शन ऐसा ही होता है क्या? थप्पड़ मारना भूल गए। अरे अरे अरे, काटा चुप गया क्या? अरे अरे, ला लो, मैं उठाता हूं, मैं उठा लेता हूं। क्या कर रहे हो? उतारो मुझे, उतारो। माशा देख लेगी, उतारो मुझे। माशा किताब में बिजी है, तुम पहले अपना जवाब दो। स्टेज बनवाओ, पब्लिक बुलाओ, माइक पकड़ाओ, फिर अनाउंस करूंगी। तुम्हारे साथ दुनिया को पता चल जाएगा। ओह माशा, यहाँ माइक वाइक है क्या? यहाँ जंगल में मंगल मत करो, बैक सीट पे इसे पटको, गांव वाले देखेंगे तो बात बिगड़ जाएगी। जंगल में एंट्री करना इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। तीन बलि के बकरे भेजे हैं, अब उन पर भरोसा करने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। कुछ भी हो, अमावस्या को हम वहाँ जाएंगे और उसके लिए मुझे ना नहीं सुननी। लेकिन अमावस्या को डबल अंधेरा रहता है। हाँ देखिए अपना वफादार कुत्ता। हेलो मुनीश। बॉस, अभी तुम्हारी तारीफ के पुल बांध रहे थे। क्या चल रहा है, सब सेट है ना? लड़की को गांव वालों तक पहुंचा दिया, अमावस्या की रात को पूजा होगी। वेल डन, बॉक्स मिलते ही उन्हें मार देना। बधाई हो, अपना पपलू फिट है। मेरे आइडिया से करना चाहिए था, अपना दिमाग चलाया, देखो क्या हो गया। वो लोग 9-2-11 हो गए। मेरे हिसाब से चलता ना तो मैटर चुटकी में सॉल्व हो जाता, समझा? मेरे पे भरोसा नहीं किया तेरे को? शक्ल से इंटेलिजेंट नहीं लगता हूँ, लेकिन इंटेलिजेंट तू? हाँ, मेरी गैंग में आने से पहले तू कौन सा काम करता था? कौन सा काम? कुदी मार, पट्टी मार, राइट जंप, लेफ्ट जंप, तू क्यों फ्री हो रहा है? शाबाश मेरे बंदर, आए चलो पैसा निकालो, पैसा निकालो, हलकट लोग कोई देता ही नहीं पैसा। इस काम का उससे क्या लेना देना? अब हम सब प्रोफेशनल गुंडे हैं। प्रोफेशनल है? तुम लोग इस टायर में से निकल के बता। एक दिन ट्रक के नीचे आते आते बचा, उस दिन से टायर ट्यूब देखते हवा निकल जाती है। अबे टकले पानी में जमा। मैं आज सुबह नहा के आया हूँ। अच्छा, अबे इधर आ। हाँ बॉस। इसमें घुस। इसमें कैसे घुसूं, ये छोटा है। घुस जा। ए तू जम मार। भाई पहले आप डेमो दो ना। अबे शाड़े, ये बद्री को मैंने नौकरी में क्यों रखा? आग बन करके निशाना लगाता है, गन मास्टर है। तुम ढोल गवार से पेड़ बढ़ाना जानते हो। की कमर तो चिकनी चमेली जैसी है। गोली मार दूंगा। हमें दुत्कार और उससे प्यार। उस बद्री ने मुझे पहली बार धोखा दिया, मैं उसकी बॉडी में छेद कर दूंगा, छेद। अरे डम्बो, वो नहीं बजेगा रे। हाँ? अरे छी, रेडियो में लिसनिंग का क्या मजा। अपना गाया गाना सुनाता हूँ। स्कूल के कंपटीशन में टिफिन बॉक्स जीता था। तुम सब मेरे घायल हो जाओगे। ए मुनीश, घायल नहीं होना, वैसे ही सिर दर्द हो रहा है। पहले क्यों नहीं बताया, सिर दर्द भगाने का भी गाना है, माम से भी ज्यादा असरदार है। बंडू बम बंडू बम, पीड़ा हारी बम, सर्दी सर दर्द दूर करे, पीड़ा हारी बम। बहुत हो गया, बहुत हो गया। ठीक हो गया ना, कहा था ना मैंने। अरे यार कल हम लोग सुपर रिच होने वाले हैं भाई, थोड़ा मौज मस्ती वाला गाना बजाना चाहिए ना। ये क्या है? तो तुम ही बताओ क्या करें। कल जब पैसे मिल जाएंगे, इनविटेशन कार्ड छपवा के शहर के सारे चोर चक्कों को बुला के बढ़िया पार्टी करेंगे। अच्छा है, ताकि वो सब आकर हमको लूट कर चले जाएं। क्या बोला? सॉरी 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 बादशाह, हम लोगों से ज्यादा तो तुम एक्साइटेड लग रही हो। हाँ। फ्यूचर को सेट करने के लिए हम सब इतना बड़ा जोखिम ले रहे हैं। हाँ। कुछ गड़बड़ हो गई तो तुम्हें तो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, तुम तो सिंगल हो, एकदम फ्री। ये बताओ कि इतने पैसों का तुम करोगी क्या? तुमसे किसने कहा मैं अकेली हूँ? हा? कुछ लोग सिर्फ मेरे सहारे जीते हैं। क्या कुछ भी? लोग कितनों की बात कर रही हो? मैं एक अनाथ आश्रम चलाती हूँ। और वहाँ जितने भी बच्चे हैं, वो मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, सब कुछ हैं। माशा तुम क्या? क्या बताऊं, सिर्फ उनकी खुशियों के लिए ही चोरी करती हूँ। मेरी गाड़ी का हॉर्न सुनकर वो दौड़े चले आते हैं। मैं उनके बीच होती हूँ, मुझे बच्चों से जो प्यार मिलता है ना, उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मेरे अलावा उन बच्चों का कोई नहीं है,
और मैं जब तक जिंदा हूँ दुनिया भर का पैसा सिर्फ उनके लिए जमा करना चाहती हूँ। औरों की तरह डोनेशन के पीछे भागना मुझे पसंद नहीं है, और इसीलिए दिल पर पत्थर रख के मैंने जुर्म का रास्ता अपना लिया। उन मासूम अनाथों का चेहरा देखकर बस करो बाशा, और सहन नहीं कर सकता। यू आर वेरी महान। लेट हिम किकिंग, यू कंटिन्यू। ए नल्ले, वो तुझे इमोशनल चूरन दे रही है और तू है कि उसे गटके जा रहा है। ए, वो मान गया तो तेरे बाप का क्या गया? टांग क्यों उड़ा रहा है? हाँ हाँ, मदर ट्रीसा हो तुम। मुनेश, वो प्यारे मासूम अनाथ। झूठ की महारानी, सबसे बड़ी फ्रॉड, तुम्हें देवी का दर्जा दे बैठा। तुम मुझे चोच की नम दिखने लगी। तुम्हें अच्छी नींद आ जाए इसीलिए परियों की कहानी सुनाई तुम्हें। अरे तो तुमने विश्वास ही क्यों किया? बस करो मनीष, बस करो, मैं थक गई। अरे अब रो क्यों रहा है मनीष? वो कुछ नहीं। क्या हुआ मनीष? वो माँ के मरने के बाद उनके प्यार को तरसा, बहुत मुश्किल से उस दुख से गेट आउट हुआ। चुराए हुए पैसों से कहीं ज्यादा मैं परिवार को दौलत मानता हूँ। ट्रू में तुम्हें उस लूट में सबसे ज्यादा शेयर चाहिए, इसीलिए इमोशनल हो रहे हो। मेरी बहन जैसी हो, चाहे तो मेरा शेयर भी तुम रख लो। सच कह रहे हो साले साहब? हाँ, दिल से कहा मैंने। रोना बंद कर। गोली मत मारना भाई, पता है आपने भाई को मारा है। क्या हुआ? फिर टीचर को टपकाया, एक पुलिस वाले का एनकाउंटर भी किया है, बीवी के प्रेमी उस दूध वाले को भी मारा है। अब अगला नंबर मेरा है। आप जो सामने आता है उसे उड़ा देते हैं। मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे गोली मत मारना भाई, मैं आपकी मूर्ति ला दूंगा। वेक हो गया? रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। गोली के बजाय हार्ट अटैक से मार देता। सो जा आराम से, फिर से नींद खराब मत करना। गोली मत मारना भाई, भाई मुझे मत मारना, मुझे मत मारना। पप्पी, तो पप्पी, पप्पी। सब लोग ध्यान से सुनो, आज सूर्यास्त होने के बाद गुलेबाग वाली देवी के सामने विजय नाम की कन्या मंदिर के प्रांगण में निर्वस्त्र पूजा करेगी। वो आज इस तरफ से आएगी। उस दिन उसने मुझे नंगा देखा ना, तो आज मेरी बारी। चलो जा। हो गया, और नहीं कर सकता। हर खजाने को गाड़ना जरूरी है क्या? गुफा में छुपा लो, लॉकर में रख लो, पलंग के नीचे छुपा लो। माल चाहिए तो खोदता रहे। ए, जल्दी आओ जल्दी। इसने फिर भी वकूफ बनाया। मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ए बद्री, एक हेल्पर होता तो अच्छा होता ना, बोल ना। हाँ, गांव के मुखिया को बुला लेता हूँ, ताकि खजाने के 5 हिस्से करने पड़ जाए। चल खुद। वो माशा नाम की बुढ़ी ऑलरेडी एक हिस्सा हड़प कर रही है, और शेयरिंग कैरिंग नहीं कर सकते। एक नंबर की चैप्टर। आओ आओ माशा, आप ही की तारीफ कर रहा था। अच्छा, मेरी तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे क्या? मैं जानती हूँ, माल लेके भागने का इरादा था। अरे मेरी मदद के बिना इसे निकाल पाते क्या? इस पे मेरा हक है। पसीना बहारा पड़े तो पता चलेगा। हाँ, तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ। अरे डायन हूँ मैं, डायन। गांव वालों को बेवकूफ बना के मंदिर के बजाय यहाँ आ गई। तुम लोग फ्रॉड हो। ए, तुम तो उस दिन पंचायत में थे ना? ए, नाटक बंद कर, बहुत कर ली ओवर एक्टिंग।
मैं शादी करना चाहता था, उसके लिए पूजा में मुझे नंगा जाने बोला। आज जब मेरी देखने की बारी आई तो पूरे कपड़ों में आ गई। रुक, मैं गांव वालों को बुलाता हूँ। ए, गांव जा रहे हो तो थोड़ा पानी लेकर आना, तुम्हारे लिए कुछ मंगवाओ क्या? पकड़ो उसको, पकड़ो। अरे खड़े खड़े क्या कर रहे हो? अरे बैठना नहीं, उसे रोको पहले। अरे वो पकड़ने गए तो तू बैठ गई यार। क्या डेंजरनाक काम था, पर कर दिखाया, मजा आया। तीन हिस्से होंगे, अरे हाँ भूल गया, चार हिस्से होंगे। सुनना बद्री, कार को जरा साइड में रोक के बॉक्स के अंदर झांक लेते हैं ना। अरे जल्दी क्या है, घर जा रहे हैं, चेक कर लेंगे। अरे मगर देख लेने से। चुप कर माशा, बिल्कुल ठीक कह रही है। तूने ऐसा क्यों किया, दिमाग खराब हो गया क्या? दीदी तुम आ गई। ये घर का किराया, ये रही स्कूल की फीस। इन चोरियों से तो उसे पढ़ा पाती हूँ, उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी कर पाती हूँ। मेरे पास और कोई सहारा नहीं। प्लीज हमें यहाँ से जाने दीजिए, मेरा विश्वास कीजिए। प्लीज सर, प्लीज। देखो जैसा हम कहते हैं वैसा करोगी तो इसे यहाँ से जाने देंगे, वरना दोनों में से एक भी नहीं जा पाएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है, यहाँ से ले चलो प्लीज दीदी। मेरा आदमी तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन उसे भी पता नहीं लगना चाहिए। प्लीज मुझे ये बॉक्स दे दो, मुझे अपनी बहन को बचाना है। प्लीज ए, येड़ा हो गया मुनीश, इसकी बहन की जान खतरे में है और तुझे बॉक्स की पड़ी है, तेरा दिल है या नहीं? हाँ है, मेरे भी सीने में एक इंसान का दिल है। जिस बॉक्स के लिए बवाल हो रहा है ना, देखना चाहता था इस बॉक्स के अंदर ऐसा कौन सा खजाना है। रॉन्ग किया क्या? आया बड़ा। देखो। अरे मुंह क्यों खुला रह गया? तो माल को तीन हिस्सों में बांट लेंगे, वो लाइफ सेट हो जाएगी, क्या बोलते हो? लाइफ सेट हो जाएगी। शहर के सारे चोर उचक्कों को बुला के एक शानदार पार्टी करेंगे। हमें घेर लिया है, जल्दी चलो पुता यहाँ से। जल्दी 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 करो, गाड़ी चलाओ। आराम से आराम से। अरे वो सब जगह है। अरे पीछे पीछे पीछे। अरे नहीं, मैंने कहा था कि सब तरफ से रोशनी करवा दो। बस कीजिए, इस आइडिया से अच्छा होता हम उनकी गाड़ी को ही आग लगा देते। अरे अमावस्या को छोड़कर पूजा की ये सब तो होना ही था। मुझे लगता है अब आपको संन्यास ले लेना चाहिए। ओहो, अब इस गाड़ी को क्या हुआ? ते मुनीश, लगता है कार के रेडिएटर को प्यास लगी है, जाकर कहीं से पानी लेकर आता हूं। ए, हाँ खोल,
आलसी। तो शेरनी यहाँ है। ए कुंभकर्ण उठ, कुंभकर्ण उठ जा। जाग गया, कल इस शहर का सबसे अमीर आदमी बनूंगा, फिर सीधे बैंकॉक जाऊंगा मैं, बैंकॉक। ये तो मुझे बॉस की गाड़ी लग रही है। हाँ मुझे उस कमरे तक आवाज आ रही है, लगता है उमर के साथ तुम बहरे भी हो गए हो। बहरा नहीं हूँ, तुमसे ज्यादा सुनाई देता है। हाथों में मेहंदी लगी है क्या जो फोन नहीं उठा रहे? रात को मैं फोन उठाऊंगा तो जरूर होगी कोई बैड न्यूज, तुम उठाओगी तो होगी गुड न्यूज, इसलिए तुम्हें जगाया। हेलो बॉस, आपकी गाड़ी मिल गई बॉस। हाँ, पापा की हाफ गर्लफ्रेंड। हाँ वही, गुड न्यूज। तू खटारा तो इसकी जान है बॉस, अभी वो जंगल में खड़ी है और वो चोरनी भी उसी में बैठी है। ए, तू कार के डिक्की में छुप जा, कुछ हाँ? करना मत, ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे में मैं वहाँ पहुँच जाऊंगा। ए डुप्लीकेट, करण को बुला। ए, वहाँ सब कुछ ठीक तो है ना बॉस? चिंता बिल्कुल मत करो, 15 मिनट हो गए और गाड़ी बिल्कुल हिली तक नहीं है। पिछवाड़े में कुछ चुभ रहा है। क्या है वो? हेलो, पिताजी की आत्मा ऊपर नहीं गई, इसी कार में है। तो माँ क्या इसी डिक्की में है? क्या बोला बॉस? आपको पता है आपकी माँ यहाँ डिक्की में बंद है। मेरी माँ? क्या मतलब, पागल हो गया है क्या? सच कह रहा हूँ, दूध की तरह चमक रही है मेरी माँ। और गोरी? सच कह रहा हूँ, जो देखा वही बता रहा हूँ। ए 420, यहाँ छुप कर बैठे हो? मेरी गाड़ी कहाँ है? बेटे की शक्ल वाले और कितनों को लूटा? अरे श्रवण, अपने पापा से मिले कि नहीं? क्या नौटंकी है, अभी भी एक्टिंग कर रही है? बता मेरी गाड़ी कहाँ है? मेरी कार चुराने वाली से ये बात क्यों कर रहा है? बेटे वाली, लिफ्ट देने वाली, लिफ्ट लेने वाला, सबके सब फ्रॉड है। और तू कपड़े चुरा के नंगा घुमाने वाला भी इनके साथ ही है। ए करण, कैसा है? मैं बेहोश होने वाला हूँ, ऐसे कोइंसिडेंस मनमोहन देसाई की फिल्मों में भी नहीं होते। टकलू तो इधर ही आ रहा है। ए, अरे टकलू, तूने मुंडन करवाया है या तू बचपन से गंजा है? ए चोर चाची 420, तो तू गैंग लीडर है? हाँ ना ना, मैं हूँ। तू बैठ रहे? ओके। अरे बैठ जा। मैं इस शहर का सबसे बड़ा डॉन हूँ और तूने मुझे ही चूना लगा दिया। अब तू देख, तेरे बाल काट के तुझे टकली बना के बदला लूंगा। लगे हाथ मेरा भी शेव कर देना, लगता है टकला भड़क गया। चुपचाप मेरी कार से उतर, मैं वहाँ आया तो बहुत बुरा होगा। ए बद्री, क्या बिगाड़ लेगा ये गंजू? बद्री, मुझे गंजा बोला? औरत से क्या बात करता है, हिम्मत है तो मुझसे बात कर। पैदा होते ही अपनी माँ को निगल गया, तीसरी कक्षा में 3 बार फेल हुआ, गाड़ी चलानी तो सीख ली पर दादा को ही टपका कर मार दिया, शादी करने गया तो 70 लड़कियों ने तुझे रिजेक्ट किया, फाइनली गन की नोक पर तूने शादी की, गाड़ी की बैटरी का पानी पी गया तो गला खराब हो गया और अब कौए जैसी आवाज आए, गाड़ी चलाना सीखा तो पुलिस वाले को उड़ा दिया और सीधा जेल गया, जेल जाके अपनी खुद की पहचान बनाई और शहर का डॉन बन गया, पहली बीवी छोड़ गई, दूसरी का कत्ल तूने कर दिया और अब तीसरी जाने की तैयारी में है। क्यों, सच कह रहा ना टकले? Am I right? वाह यार, खुद के बारे में इतना तो मैं भी नहीं जानता। तुम्हारे पापा को इतनी महंगी कार गिफ्ट करने वाली हाफ गर्लफ्रेंड यही लेडी है। अपनी अमानत को वापस लेने में कौन सी खराबी है? ये वही हाफ गर्लफ्रेंड है? यही है तेरे पापा का ओरिजिनल प्यार, तेरी माँ की बहन। छोटी माँ, मासी मुझे माफ करना। बस 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 बस, इट्स ओके। मेरी प्यारी मासी, इतने दिन कहाँ थी आप, किन मुश्किलों में मैं जी रहा था, क्या आप जानती हैं अपने इस भांजे से मिलने क्यों नहीं आई? मैं एक अनाथ आश्रम चला रही हूँ। बुड्ढी ने फिर से नौटंकी शुरू कर दिया। ये उसी अनाथ आश्रम के बच्चे हैं
मतलब मेरे भी बच्चे हैं। मम्मी मुझे लॉलीपॉप चाहिए। घर चल के देती हूँ। मौसी आपको पहचानने में भूल हो गई। यू आर अ ग्रेट मौसी, प्लीज मेरे साथ घर चलिए, ना मत कहिएगा। हे बॉस, उस मौसी को छोड़िए, आपकी ओरिजिनल माँ यहाँ डिक्की में पड़ी है। जल्दी से नई कहानी बनाओ। मेरी माँ वहाँ कैसे हो सकती है? अपना दिल जरा मजबूत करके सुनो। क्या? वो तुम्हारी माँ है, तुम्हारे पापा उनसे बहुत प्यार करते थे। जब वो मरी तो उन्होंने उसे दफनाने से इनकार कर दिया और इसीलिए कार को ही उनका परमानेंट एड्रेस बना दिया। मैं इसीलिए तो वो कार लेके भागी थी वहाँ से। तुम मेरे दिल में एक बार झांक के देखो, कितनी ममता है तुम्हारे लिए मेरे मन में। माँ नहीं हूँ तो क्या, मौसी तो हूँ ना मैं तुम्हारी। बेटा मौसी, मैंने अपनी माँ की फोटो पहले कभी नहीं देखी। मम्मी, पहली बार मैं आपके दर्शन कर पाऊंगा। मम्मी जी की माताश्री। मम्मी, जन्म लेने के बाद आज पहली बार देखा है मैंने आपको। मेरे नसीब में कल का कैसा लिखा था। मम्मी चलो विजी, चलो बहुत चुप हो जाइए, संभालिए अपने आप। कभी मेरे बाप ने कभी इस बारे में नहीं बताया। बॉस, वो लोग हमारी जीप लेकर भाग रहे हैं। उसमें उन्हीं का हक है, मेरे पापा की तरफ से मौसी को तोहफा है। मम्मी, अरे मैं उस टकले को कुछ भी फेंक के जा रही थी और वो मेरी हर बात में हाँ कह रहा था। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, उसने मान कैसे लिया? हाँ, उसके बाप को डायरी लिखने का बड़ा शौक था, इसमें उसने अपनी और अपने बेटे की पूरी कहानी लिखी हुई। अभी अंडरस्टैंड किया, तो तुम उस दिन स्टोरी बुक की जैसे ये रीड कर रहे थे। स्टॉप इट। अब इसे क्या हुआ? क्या हुआ बीजी? अगर खाली हाथ गए तो वो मेरी बहन को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो वो कंकाल ले जाते तो क्या छोड़ देते? वो हमारा लुकआउट नहीं है, उन्हें जो बॉक्स चाहिए था हम दे देते। उसमें कंकाल था या खजाना, वो बॉक्स हम उसी कार में छोड़ा है। पराए लोगों की हेल्प करता हूँ, अपनी होने वाली डॉटर इन लॉ की हेल्प नहीं करूँगा। ये क्या है? ये डॉटर इन लॉ कौन है? अरे यार, मेरी इंग्लिश तुम्हारी जितनी अच्छी नहीं, समझा यार। तुम्हारी स्मॉल सिस्टर्स, सिस्टर इन लॉ। वही वही। ओह गॉड, लेकिन कैसे बद्री? भरोसा रख, कल शाम को हम सब मिलकर उसके साथ आइसक्रीम खा रहे होंगे। ओके, अच्छी बात है। कल तुम तीनों जाना, फाइट शाइट करना और उससे बचा लाना। मैं तुम तीनों के लिए पनीर के पकौड़े बनाकर रखूंगी। पूजा अमावस्या से पहले होने वाली है, क्यों नहीं बताया? फ्री आउटगोइंग प्लान होने का क्या फायदा? और वो बॉक्स खोलने के लिए तुमसे किसने कहा था? मैं चले, मेरी मूर्तियां दे दे, मुझे जाना है। ए, थोड़ा साइलेंट रहो। अरे बॉस, उन्होंने डेट चेंज किया, पूरे गांव वालों ने हमें बॉक्स निकालते देख लिया और मारा मारी हुई और उसमें बॉक्स गिर गया। उसे खजाना कहते हो? बेचने जाएंगे तो लोहे का भाव भी नहीं मिलेगा। क्या किया आपने एक कंकाल के लिए? इतना झंझट, इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? जैसा तुमने कहा था मैंने ठीक वैसा ही किया, मेरा काम पूरा हुआ। अब मेरी बहन कहाँ है? अमू कहाँ? ये क्या गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही है? चुपचाप बैठ जा, मेरी बहन कहीं नहीं गई है। अमू, बोला ना, चुपचाप बैठ। कहाँ है मेरी बहन? कहाँ रखा उसे? पत्री, पत्री।
मुझे इन पर भरोसा नहीं है आनंद, हमें भी इनके साथ चलना चाहिए। आपके दादा पर शक होने लगा है। खजाने के नाम पर एक कंकाल छोड़कर गए, आपके और आपके पापा को बेवकूफ बनाया है। गधा कहीं का। मेरे दादा ने अंग्रेज को बेवकूफ बनाया। कौन है गधा, तेरे आदमी या मेरे दादा? आपके दादा तो बड़े ही शातिर निकले, ये बात आपको मुझे पहले ही बता देनी चाहिए थी। वो बॉक्स हाथ लगने के बाद मैं तुम्हें बताने ही वाला था। मैं भी वही सोच रही हूँ जो तुम लोग सोच रहे हो। इस कंकाल के लिए इतना जी का जंजाल क्यों? अरे मुनीष, किस इंसान का कंकाल होगा ये? बॉस के दादा का होगा जो उस वक्त के डॉन थे। अरे चुप रह, ये मामला कुछ और ही है, इसमें जरूर कोई राज है। बॉक्स का लेफ्ट राइट सेंटर सब देख डाला, लेकिन उसका वेट भारी है। वहाँ दो लोगों की जान खतरे में और तुम यहाँ उस बॉक्स की कीमत लगा रहे हो। अरे बद्री, ऐसा क्यों बोल रहा है? बॉक्स बॉक्स बॉक्स, तेरी जान उस बॉक्स पर क्यों अटकी है? पूछो उसे। उस चपड़गंजू से बॉक्स लाके उस डॉन के मुंह पे मार दे। लो कर लो बात, प्यार में पागल इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। मौसी, अनाथ आश्रम के बच्चे कहाँ हैं? मौसी, मेरे घर में आपका स्वागत है। ये तो तांत्रिक का अड्डा दिख रहा है। मौसी बताइए ना, क्या लेंगी, गर्म चाय या कोल्ड कॉफी? कोल्ड क्यों, गर्म सूप दे दूं, 10 मिनट में हड्डियों का सूप बना लाती हूँ। ए चुड़ैल, तू अंदर जा। देखो मेरे पास ज्यादा समय नहीं है बेटा, अपनी बहन से मिलने आई हूँ मैं, उसे साथ ले जाऊंगी। माँ को साथ ले जाएंगी, क्या जरूरत है, यहाँ बड़े आराम से रखा है। अरे इसे उस मंदिर में ले जाऊंगी जहाँ मैं, ये और तेरे पापा जाते थे। मैं भी साथ चलूं? सुनो जी, अभी कहीं नहीं जाओगे तुम, पापा को मरे 1 साल भी नहीं हुआ है, अभी मंदिर कैसे जा सकते हो तुम? ओ बात तो करेक्ट है, वहाँ खास पूजा करते थे बेटा, और वही पूजा फिर से करने के लिए मैं इसे साथ ले जाऊंगी। माँ के साथ पूजा करेंगी, मैं भी साथ चलूंगा, मैं भी पूजा करूंगा। अरे अरे, के साथ पूजा करूंगा। क्या सिद्ध कर रहे हो, मैं हूँ ना, पूजा कर लूंगी। मैं भी साथ आऊंगा, वरना मेरी माँ भी नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। मौसी की बात नहीं सुनते, तुम आज्ञाकारी हो, मैं यही समझती थी। बिल्कुल माँ वाला प्यार, इस थप्पड़ का सालों से इंतजार था, ऐसा लगा जैसे माँ ने ही मारा। प्लीज मेरी माँ को अपने साथ ले जाइए। शुक्र है मेरी बहन। डोंट टच मौसी। माँ को ड्राई क्लीन करके फिर कार में ले जाना। पूजा का टाइम हो रहा है, अपना ख्याल रखना, खुश रहो। बाय बच्चों। बाय। अरे श्रवण, नई कार ली क्या? हाँ आंटी जी, वो दहेज में मिली है। संभाल के रखना। ए फ्रॉड, यहाँ कैसे आई? ओए करण, व्हाई यू स्टॉप देयर? अरे मैं आप ही के पास आ रहा था। मिलते हैं। अन्ना जी, वो फ्रॉड आपकी कार क्यों लेके गई? ए, खबरदार, जो मेरी मौसी को फिर से फ्रॉड कहा, जान से मार दूंगा। बॉस, किसी भी एंगल से ये आपके रिश्तेदार नहीं लगती। ए डुप्लीकेट, वो माँ का ख्याल रखने वाली देवी है। बॉस बॉस, ये देखो, मासी अपनी पूजा की थाली भूल गई है। अरे बाप रे, इसके बिना वो दोनों पूजा कैसे करेंगी? भगवान भी चालाक है, मुझे ये मौका दिया। इंस्पेक्टर, मैं सिद्ध कर दूंगा कि मेरी मौसी फ्रॉड नहीं बल्कि एक देवी है। ओनली ऑन वन कंडीशन, मैं मंदिर में नहीं जाऊंगा। आज नहाए नहीं क्या आप? मैं पापी हूँ, मंदिर की सीढ़ी कैसे चढ़ूंगा? मैं गलत हूँ तो मेरी गर्दन काट देना। चलो। ओके चलो। चलो। हेलो, कौन? हाँ हम लोग वही आ रहे। गाड़ी हवा में उड़ाओ। मौसी, तुम पूजा की थाली भूल गई। मौसी! ए भाई साहब, आपकी कार की डिक्की खुली है। माशा, गाड़ी भागा। गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। क्या रे मोटू, जो भी है मेरा बॉस है, वो हमें शूट कर रहा है। और यू लॉयल भी शूट? देर मुंह नहीं बंद रख सकते थे तुम? ये वो लोग भाग रहे, स्पीड बढ़ा जल्दी जल्दी। है कौन गधा रास्ता ब्लॉक कर रहा है? आपकी मौसी ने हमारी तरह इस कार वाले को भी लूटा होगा। कोई लूट वूट नहीं है, मौसी के अनाथ आश्रम का कोई बच्चा होगा। टकला हो गया, लेकिन दुनियादारी समझ में नहीं आती, उनसे ही सच का पता करते हैं।
माशा गाड़ी भगाओ वरना तुम्हारा टकला भांजा हमें कंकाल बना देगा। अरे इस तरफ आजा, वो गोली चला सकता है मुझ पर। गोली मुझे लगेगी तो तुम्हें चलेगा। अरे वो फिर से उल्लू बना के निकल जाएगी, जल्दी भगा। अरे भगा रहा हूं ना। बॉस पूजा की थाली गिर गई, अब मासी पूजा कैसे करेगी? रॉन्ग की कहीं का, जल्दी से उसे ले आ। गो 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 गो। सुन बुड्ढी बहुत होशियार है, वो लेफ्ट मोड़े तो तू राइट मोड़ना, राइट मोड़े तो तू लेफ्ट मोड़ना। हाँ समझ गया। बहुत नियरिंग पहुंच गए। गो 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 गो। अब मेरी ड्राइविंग देखना। अरे जंगल में क्या ले जा रहा है? ए, गाड़ी रोको, स्टॉप स्टॉप, स्पीड लिमिट से ऊपर हो, कहाँ जा रहे हो? पीछे पेशेंट है, हॉस्पिटल ले जाना है, जल्दी गेट खोलो प्लीज। वो कहाँ है? दोनों हट्टे कट्टे लग रहे हैं। यही है पेशेंट, हर एक मिनट बाल झड़ते जा रहे हैं इसके, बहुत जल्दी गेट हो जाएगा। जल्दी से रास्ता दो, गेट खोलो, गेट खोलो, टकला हो जाओ, इनको जाने दो, हॉस्पिटलिंग चाहिए। ऐसी इमरजेंसी पहली बार देखी। वो औरत कौन है? मुझे तो लगता है कि उस लड़की की मां है जिसे हमने पकड़ के रखा है। ए, किसे ले आया? आपने अपने पास गिरवी रखी है ना, वो लड़की उसी की मां है। ओ माँ हूँ, माँ। हाँ, मैं माँ हूँ, मेरी बच्ची। अरे बहन ही बना देता, मेरी प्यारी बेटी। गला फाड़ के क्यों चिल्ला रही है? बेटी की पागल होके उसी का नाम पुकार रही क्या? रुको, वहाँ आके बताता। अच्छा, ए वही रुक। पहले बॉक्स लेकर आ, लड़की ऊपर है। बात तो सुनिए, पहले बॉक्स दे, बाकी सब बाद में। बॉक्स नहीं तो जाया से। ये तो बता मेरी पुत्री कहाँ है? चलो इस भंगार के लिए लड़की को किडनैप किया। अरे वाह 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 वाह, साबित कर दिया कि तू मेरा वफादार है। हर काम परफेक्टली करता है। बॉस क्या? हाँ, इन लोगों ने तुझे बहका दिया है। शूट कर, शूट कर, शूट कर, कोई डॉल नहीं बचेगा, कोई भाई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। मार मार गोली, मार 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 गोली, मार मार मार। ए बद्री, टेक्निकल मिस्टेक, ये ऐसा क्यों डूइंग? खिलौने से डरा रहा था, अब तू ये डील कर ले, मैं बाहर वेट करता। ए ऐसा क्या कर रहा है? ए ए आशा, नीचे आ जा। तुमने शूटर, तेरा साथी तो चला गया, कल ही तेरी तारीफ कर रहा था और आज कंधे पे चढ़ के। नो 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 नो, वेरी बैड। ए इसको खर्चा पानी देने का? नो खर्चा पानी, होटल में जाके पानी पी लूंगा, मुझे सॉरी कर दो बस। ए पकड़ो उस जोकर को जल्दी। बद्री, अरे भेड़िए से बचे तो ये सांड ने पकड़ लिया। पकड़ रहे इसे, पकड़ो इसे, जल्दी खोलो। आपके दादा का बनाया हुआ डायमंड नेकलेस। अरे करता हूँ। ए बद्री बता बता, मूर्तियाँ कहाँ? ए छोड़ो मुझे। ए मम्मी मेरी है। मेरी माँ किसी हीरे से कम नहीं थी। अरे कैसी माँ, कैसे हीरे, मरने के बाद भी उसे चैन से जीने लगा। छोड़ो उसे, 8 सालों तक बेचारी कार की डिक्की में पड़ी रही थी। हेलो कंट्रोल रूम, मुझे
अरे जल्दी चलो, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। जल्दी आओ, जल्दी 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 चलो बैठो। माशा मैं सेल्फ के लिए एक पीस लेकर आऊं। अरे वहाँ पुलिस आ गई है, तुझे सेल्फी की पड़ी है। चलो 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 जल्दी निकलो। अरे चलो करो, टाइम नहीं है, जल्दी 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 चलो, गाड़ी चलाओ प्लीज। चलो कल शाम को डीएसपी करण ने कंकाल के अंदर करोड़ों के डायमंड्स को स्मगल करने वाले तीन गैंग्स को रंगे हाथ पकड़ा। वरिष्ठ अधिकारियों को इस बाबत सवाल किए जाने पर उनके जवाब सुनिए। सबसे पहले मैं डीएसपी की कामयाबी की प्रशंसा करना चाहूँगा। तीनों में से एक गैंग का लीडर मेक्सिको से है, बाकी दोनों स्टेट के लोकल गैंग हैं। हाथी के दांत से बनाए कंकाल के ढांचे की सारी खोखली जगहों पर सभी डायमंड्स की एग्जैक्ट कीमत क्या है उसे आंकने में एक्सपर्ट्स को कम से कम 2 दिन लगेंगे। जैसे ही हमको कोई खबर मिलेगी हम आपको बता देंगे। एक एक इंच में एक एक करोड़ के हीरे, हमने उसे ऐसा ही गवा दिया। माशा, ए माशा, अब मुंह फाड़ के टीवी देखने से क्या फायदा? हमारे हाथों में अरबों रुपए आने के बावजूद हम भिखारी रह गए। अबे रोना बंद कर, हमारी माशा कमिश्नर के ऑफिस में जाके उसे उड़ा लेगी। ठीक कह रहा ना माशा, उड़ा लोगी ना। खराब हो गया, कमिश्नर के ऑफिस भेजोगे? छोटी मोटी चोरियां की है मैंने सिर्फ पॉकेट मनी के लिए, तुम लोगों की वजह से बड़े झमेले में पड़ गई इस बार। पिछली बार किस्मत अच्छी थी जो बच के निकल गई। बस बहुत हो गया, अपने पाप धोने के लिए चार धाम की यात्रा करने जाऊंगी अब। वाह, तुम लोग जाओ, जस्ट लीव। चार धाम की यात्रा? बिल्कुल, निकलो यहाँ से। तुम सच में सीरियस हो? यस। क्या माशा, तुमने कहा था कि हम सब फैमिली बन के रहेंगे और करोड़पति बनने की उम्मीद थी। इतनी जल्दी हार नहीं मानते, कह दो कि ये जोक पोक है। मैं कोई जोक नहीं मार रही, मैं सीरियस हूँ। फुटो यहाँ से। ठीक है, तुम दोनों जाओ, मैं माशा के पास ही रहूँगा। तुम तो माफ ही करो, तुम्हारे साथ रही तो एक दिन इंटरनेशनल डॉन बन जाऊंगी मैं, और अगर अंदर हो गई ना तो बुढ़ापे तक मैं वही सड़ती रहूंगी। ऐसा नहीं होगा। ए बद्री, इसे कहो ना मैं इतना बड़ा थीफिंग नहीं हूँ। माशा, मुझे अपने बेटे जैसा ही समझो। मुझे भी अपने साथ ले चलो। अपने पाप खुद ही ड्राई क्लीन करो, तुम्हारे साथ मेरे पाप भी धुल जाएंगे। जरा खुद को देखो, ये करने की उम्र नहीं है तुम्हारी। मेरे साथ चलने के चक्कर में अपनी जवानी क्यों बर्बाद कर रहे हो? समझ गया, तुम्हारे लिए हम अनाथ हैं। हाँ हाँ यही बात है, ऐसी हूँ मैं। ज्यादा भाव मत खाओ, हम जा रहे हैं। इस मतलबी से हमें कोई मतलब नहीं है। ये हमें धक्का देकर यहाँ से निकाले, इससे पहले हम लोग खुद ही यहाँ से चले जाते हैं। डोंट वरी, मैं हूँ। मुनीश, कम ऑन, इसे यहीं छोड़ देते हैं। हम लोग अपनी टीम के लिए किसी और को ढूंढेंगे। पता नहीं क्या समझ रखा है। hey, बद्री। hey, माशा, तुम्हें चिकनगुनिया हो गया है और वो हमें न लग जाए इसलिए तुम हमें यहाँ से भगा रही थी ना? अबे जाए ना। बद्री, घमंडी खड़ूस। माशा, हम जा रहे हैं। हाँ हाँ। माशा, गाड़ी में बैठ गए? हाँ जाओ जाओ। ए, थोड़ा साइड हो जा। सो मच प्राइड। यहीं पर तो थी, कहाँ रह गई? अमो अमो, जल्दी आओ, ये आंटी हमें पसंद नहीं करती। अमो अमो, ऊपर क्या कर रही हो? जल्दी आओ ना। रुको, आ रही हूँ। माशा आंटी, ये आपके रूम में था। इधर देखो बद्री। अरे जल्दी आओ जल्दी। अरे वाह, लाइफ सेट हो गई मेरी। तारे जल्दी आओ जल्दी आओ। माशा, डीएसपी करण को आउट ऑफ द टर्न प्रमोशन दे रहे हैं। ही इज नाउ असिस्टेंट कमिश्नर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर। व्हाट इज दिस? एसीपी करण को 6 महीने के लिए सस्पेंड किया जाता है। जब से आप इस गांव के मुखिया बने हैं कोई भी पूजा सफल नहीं हुई है, आपको निर्वस्त्र पूजा करनी पड़ेगी। कपड़े उतारो मुखिया। ए,
ये कपड़े फिट नहीं हो रहे, नए कपड़े चाहिए, जेल के डिजाइनर को लेके आ। ए, इसमें दूसरा कलर दे, डंडा मार के सर फोड़ दूंगा। ए, मुझे मारेगा तू? 12 साल की उम्र में टॉफी छीनने पे अपने भाई को मारा, 30 की उम्र में अपने छावे को मारा, छावे के ऊपर भगाने वाले को मारा, उसके बाप को मारा, बाप के बाप को मारा, जानता है तू किससे बात कर रहा है? अपन बहुत बड़ा इशारा है क्या? ए, तेरी स्टोरी खत्म हो गई? तो हम लोग ये कपड़े पहन ले। अबे ए, मुझे फिट नहीं हो रहा है ना। ए, इसे चुपचाप पहन ले, नहीं तो बाकी के कपड़े भी उतार दूंगा। सर, हम वैसे लोग नहीं है। अबे गेंडे, उस धंधे में बहुत पैसा है रे। चुप कर, तेरी समाज में इज्जत नहीं है लेकिन अपनी बहुत है। अरे इज्जत की तो धज्जियां उड़ गई। धज्जियां मूर्ति ले, पागल हो गया। जेल में भी जेल में डालो ना प्लीज। एक मूर्ति लाने बोला था, उतना भी नहीं कर पाया। मुझे पागल बोल रहा है, मुझे पागल बोल रहा है तुम लोग। अबे मेरी प्यारी मौसी, प्यारी मौसी, प्यारी मौसी, मेरी प्यारी मौसी। बाहर आओ बद्री।